चलिए अब गाड़ी पर चलिए। गाड़ी को चेक करवाना था। ये नज़ारा है पटना शहर के मीठापुर बस स्टैंड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम यहाँ से जो भी बस निकल रही है पटना शहर से, मेडिकल टीम उस बस के अंदर में बैठी हुई सवारियों को, उनके ड्राइवर को, उनके कंडक्टर्स को सबकी मेजरिंग गन से जांच कर रही है, और उनके जब वो क्लियर हो रहे हैं तो उनके हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर में मुहर लग रहा है, और मुहर अप्रूवल का है कि अब आप सफ़र कर सकते हैं। अगर कोई भी संदिग्ध इस गन के अंडर में आ जाता है तो उसे उसी वक्त तत्काल इमरजेंसी सेवा के लिए कहीं ले जाया जाएगा और उन्हें सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कि इन भाई साहब को स्पेशली साइड में रखा गया है। और जिनका अप्रूवल हो रहा है उनको मुहर लगा करके उनको जाने दिया जा रहा है। एक दूसरा व्यक्ति मिला है जिसको कि साइड में किया गया है। जिन दो लोगों को मुहर नहीं लगा है सर, उसका टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, थोड़ा इसका वेट करेंगे हम लोग। टेम्परेचर डाउन होगा, कंफर्म होगा तभी छोड़ेंगे लोग को। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इन दो लोगों में अभी ऐसा आया है कि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, इन लोगों को साइड में रोका गया है ताकि इसकी दोबारा से जांच हो और उसके बाद इनको मुहर लगेगा, तब इनको फिर आगे जाने दिया जाएगा या इस बस के अंदर में सफ़र करने की इजाज़त मिलेगी। तो ये सारे लोग हैं, इन लोगों का जांच हो रहा है और इन लोगों को इजाज़त दी जा रही है कि अब आप सफ़र कर सकते हैं। चलिए, इनको दोबारा से इजाज़त मिल गई है बस में सफ़र करने के लिए। सर, आप लोग कितने बजे से यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं? 8 बजे हम लोग यहाँ पे आए हैं जी। तो सर, यहाँ पे आने के बाद से आप लोग को अब तक में क्या क्या ड्यूटी की रिस्पांसिबिलिटी मिली है? यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर लोग थे, सुबह से जमा थे, रात में भी जो आए थे उनको रोक के रखा गया था। फिर हम लोग का DM को ऑर्डर मिला तो हम लोग यहाँ पे आके पूरा मेडिकल टीम के साथ यहाँ लोग का थर्मल चेकअप करना शुरू किए, और उसके बाद से फिर थर्मल चेकअप के बाद जो कुछ सस्पेक्टेड केस मिले हैं महाराष्ट्र से, कुछ बंगलौर का, उनको रोक के रखे। फिर उन लोग के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन लोग का आधे घंटे के बाद टेम्परेचर फिर चेक कर दिया, तो फिर कुछ नॉर्मल था टेम्परेचर, नॉर्मल में केसेस था, और उसको फिर आइसोलेट करने के लिए बोल दिया गया है और उनको रखे हुए हम लोग कुछ। तो
कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संदिग्ध जिसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आई हो? अभी तक नहीं मिला जी। तो यहाँ पर कितने संख्या के लोगों को आप लोगों ने अब तक जांच किया होगा? करीब 700 to 800 प्लस है। तो ये तो दो तीन दिन पहले से ही लोगों को पता था कि रविवार के दिन कर्फ्यू लगेगा, जनता कर्फ्यू लगेगा, लेकिन तब भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे बस स्टैंड पे लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको जानकारी भी दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं? जी, हम लोगों को बोला जा रहा है, उन लोग को आइसोलेट होने के लिए बोला जा रहा है। बहुत लोग को बोला गया है कि आप घर में जाइए तो अलग थलग थोड़ा सा रहिए, कुछ दिन मेंटेन कीजिए। और चूँकि ये अचानक से हम लोग को कल ही इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे आके हम लोग को थर्मल स्कैनिंग करना है और अपना ड्यूटी करना है, तो अचानक से बोला गया है, वो पहले से प्लान वे में नहीं था। बाकी और क्या, और कितने बजे तक आपकी ड्यूटी यहाँ पर रहेगी? अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर रुकने के लिए किया गया है। कुछ बसेस और आ रही हैं, जैसे ऊपर से हम लोग को मिला गया है, सीएस क्वार्टर मिला है कि अभी वहाँ रुकना है, कुछ बसेस और आ रहे हैं, उनको चेकअप करना है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है पटना शहर के मीठापुर बस स्टैंड का पुलिस पिकेट, जहाँ पर मेडिकल कर्मचारी बैठे हुए हैं और बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी बसें खुलेंगी उनकी, उनसे पहले इन ये लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही इजाज़त मिलेगी उस बस को आगे बढ़ने के लिए।